अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं बनाई थी कल चिकन टिक्की, चटपटी सी, बहुत टेस्टी बनती है। मैं इसकी रेसिपी भी बताऊंगी आपको। ये 1.5 किलो का समथिंग चिकन था, तो मैं इसे धो के रखी थी और मैं इसे मिक्सर में पीस के महीम कर लूँगी, मतलब खैमे के जैसा कर लूँगी। इसमें डालने के लिए लहसुन ली थी, अदरक ली थी, पुदीना और कोतिमीर और एक बड़ा प्याज। सूखे मसाले में गरम मसाला, काली मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर इतना ली थी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मिक्सी में मैं चिकन को डाल दी हूँ और पूरे मसाले भी डाल दी हूँ, और साथ ही साथ कोतिमीर और थोड़ा खुशबू के लिए पुदीना, अदरक और लहसुन। हालांकि अदरक थोड़ी ही लेना चाहिए, लहसुन थोड़ी ज़्यादा डालना चाहिए। प्याज में पीसने के लिए प्याज नहीं डाली हूँ और टेस्ट के अनुसार नमक भी डाली हूँ। तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं पीस के लाई हूँ, तो देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छे से महीन हुआ है। हालांकि थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाली थी, नहीं तो मिक्सर नहीं पीसे जाता है ना, लेकिन पीस जाता है लेकिन मिक्सर अलडन लगता है, आवाज़ करने लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पीस के बारीक हुआ है, तो मैं इसमें आधा नींबू भी डालूंगी चटपटे बनने के लिए। तो अपने टेस्ट के अनुसार हम बनाएंगे। आपको नींबू पसंद नहीं है तो नींबू निकाल सकते हैं। तो अभी मैं प्याज को डालूंगी। प्याज को पीसने में भी डाल सकते थे लेकिन मुझे ऊपर से प्याज डालना बहुत पसंद है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। और हम बाइंडिंग के लिए चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। चावल का आटा इस्तेमाल करें तो कुरकुरे बनते हैं, मतलब हमारे जो कबाब है ना अच्छे से कुरकुरे बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, नहीं तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, या तो ब्रेड क्रम्ब के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाथों की मदद से ही हम इसे अच्छे से कला लेंगे, ना कि स्पून। तो देख लीजिए यहाँ पे इतना अच्छा होना चाहिए कि हाथ से छूटना चाहिए हमारा खेमा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं इसे फिर 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ दी थी थोड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो मैं यहाँ पे अभी तेल को गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो और एक बार मैं आपको दिखा रही थी 5 मिनट के बाद में। तो देख लीजिए ऐसे बनना चाहिए, हाथों से छूटना चाहिए। ये खैमे के लूंडे भी कर सकते हैं, इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इंशाल्लाह एक बार मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी बना के। तो यहाँ पे तेल गर्म हो रहा था, जो तेल मैं परसों भजी बनाई थी ना वही तेल है। मैं तेल को ये एक्स्ट्रा काढ़ के नहीं रखती। तो देख लीजिए मैं गोल गोल राउंड राउंड टिक्की करके इसमें डाल रही थी। तो मैं एक बार टिक्की करके भी दिखाऊंगी आपको। तो देख लीजिए थोड़ा सा खेमा ले लेने का हाथ में, और हाथों में तेल वगैरह मैं कुछ नहीं लगाई थी क्योंकि मेरा जो मैं बनाई थी ना टेस्टर वो बहुत अच्छे से बन गया है। तो देख लीजिए मैं हाथों में बीच हथेली में रख के अच्छे से राउंड राउंड करके एक बार बना के टिक्की करके रख रही थी। तो माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी बने थे। मैं सच बताऊँ तो मैं पहली बार ही बनाई हूँ लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। हालांकि खेमे के लूंडे करती हूँ मैं, ये टिक्की नहीं बनाई थी मैं, तो बहुत अच्छा बने थे। और मैं दो तरह के बना के दिखाई हूँ, एक डीप फ्राई बना के दिखाई हूँ और एक शैलो फ्राई करके भी दिखाई हूँ। तो जी ये एक अलग तरह की तरीके के बनाई थी, ये मैं राउंड वाले बनाई थी। सभी तीनों भी टेस्टी लग रहे थे, हालांकि सबसे ज़्यादा टेस्टी है ना तवे पे जो मैं शैलो फ्राई करी हूँ, वो बहुत टेस्टी लग रहे थे। उसमें तेल कम था और उससे टाइम लग रहा था पकने के लिए। जो हम तेल में डाल रहे थे ना वो क्रिस्पी ज़्यादा हो रहे थे और तेल ज़्यादा अब्जर्व कर रहे थे, जो है वो मैं बोलूँगी आपको। तो शैलो फ्राई करने का एक रीज़न अच्छा है कि तेल हमारा कम लगेगा, और डीप फ्राई करने का ये होता है कि तेल हमारा ज़्यादा जाएगा, लेकिन टेस्टी जो लगते हैं तेल में ज़्यादा फ्राई होने से टेस्टी लगते हैं। तो ऐसा है, लेकिन झटपट बनते हैं तेल में फ्राई करने से। चलो फ्राई करें तो क्या होता है, मतलब तवे पे फ्राई करें तो थोड़ा बहुत टाइम लेता है जब तक पके तक। तो देख लीजिए हमें दूसरा टाइप का भी उदाल के बना के दिखा रही थी डाली ना, वो भी बहुत अच्छे बने थे। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही टाइप का रहता है ना, तो वो भी कुछ नहीं था। बाहर से क्रिस्पी थे और अंदर से सॉफ्ट बने हुए थे। मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा, बहुत पसंद आए। तो एक बार आप भी ज़रूर बना के खाना। और मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं यहाँ पे देख लीजिए तवे पे भी डाल के दिखा रही थी, मैं दोनों भी करके दिखा रही। तवे पे इतना ही तेल लगा था, एक एक स्पून तेल भी नहीं लगा था। 3 टिक्कियाँ मैंने इसमें सेक ली थी लेकिन तेल बहुत कम लगता है।
शैलो फ्राई में तेल बहुत कम लगता है और टेस्टी भी बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते उतने। तो ऐसा है। हाँ जी, मैं बोल रही थी अगर मेरे ब्लॉग में कोई नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हमें तो देख लीजिए फ्रेंड, मैं दोनों साइड भी बना के दिखा रही हूँ, और बाहर से इतने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं, और मसाला वसाला सब एकदम परफेक्ट बना है। आपको चाहिए तो थोड़ा तीखा आप डाल सकते हो, नहीं तो जितना मैं बोली हूँ उतना भी आप डाल सकते हो, ये आपके टेस्ट के अनुसार है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मैं तवे पे फ्राई कर रही थी ना, उसमें तेल बहुत ज़्यादा कम लग रहा था। तो मेरे आखिरी में प्लेट बन के तैयार हुई है। यहाँ पे तीन टाइप के मैं टिक्कियाँ बना के दिखाई हूँ, एक राउंड वाले, एक है ना लंबे आकार में, एक है ना ये तवे पे फ्राई करे हुए। तो मैं तवे पे फ्राई करे हुए मैं दिखा रही थी तोड़ के, तो ये है ना बहुत मुलायम बने थे, क्रिस्पी नहीं बने थे, मुलायम बने। ये है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं इसे चावल के साथ में ही खाए थे हम। मैं आपको दिखाने के लिए सॉस रखी हूँ, सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, आपको दिखाने के लिए ही मैं सॉस रखी हूँ। हालांकि हम ये खाने के चावल के साथ में खाए थे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग और मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करना और एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैं कल एक अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।